दोस्तों पिछले महीने 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म शैतान, जिसको आज सिनेमाघरों में 36वां दिन चल रहा है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कमाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दोस्तों वही दूसरी तरफ बीते गुरुवार कल यानी कि ईद के खास मौके पर 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान, जिसको आज सिनेमाघरों में दूसरा दिन चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ थी बॉलीवुड के खिलाड़ी और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिसने सिनेमाघरों में अपने पहले इधर एक बड़ी ओपनिंग लेकर बहुत सारे हेटर्स की बोलती बंद की है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बड़े मियां छोटे मियां अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर ऑफिशियली इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा, और आज अपने दूसरे दिन यह फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, और फिल्म का दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करेंगे मैदान फिल्म के पूरे दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और बात करेंगे शैतान फिल्म के पूरे 36 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को और अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फिल्म मैदान की। तो मैदान से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों आप शायद यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैदान के साथ जो हो रहा है शायद वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिल्म शायद आप देखोगे तो बहुत बढ़िया फिल्म है, शानदार फिल्म है, और जो भी दर्शक फिल्म को देखकर निकल रहा है वो फिल्म की खूब तारीफें कर रहा है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को 4.5 स्टार दिए थे, और दोस्तों कहीं से भी आपके हाथों कोई पॉजिटिव कोई निगेटिविटी नहीं लगी होगी। हर जगह से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था, हर कोई फिल्म की तारीफें कर रहा था। लेकिन मैदान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कर रही है, लोग फिल्म को देखने बिल्कुल भी नहीं जा रहे। दोस्तों शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मैदान फिल्म के कलेक्शन ने सबसे ज्यादा निराश किया। हालांकि बड़े मियां छोटे मियां उसके सामने एक बहुत बड़ी ओपनिंग करने में कामयाब रही, लेकिन मैदान फिल्म को भैया बहुत खराब रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आज तो फिल्म के मेकर्स ने एक ऑफर भी दे दिया है बाय वन गेट वन फ्री का, यानी कि अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो तो आप किसी एक को साथ में ले जा सकते हो। अगर आप एक टिकट खरीदोगे तो दूसरा आपके साथ तो फ्री में फिल्म देख ही लेगा, क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री का आज ऑफर दे दिया है फिल्म के मेकर्स ने, या दोस्तों पूरी तरह से। लेकिन बात करूंगा फिल्म मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो रिलीज से पहले ही फिल्म को खूब तारीफें मिली थी, पॉजिटिविटी मिल रही थी, लेकिन बावजूद इसके क्या बताओ यार, अगर बात करूं फिलहाल मैदान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जो कि अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर और जी स्टूडियोज ने, और फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ प्रिया मणि नजर आई थी। 3 घंटे 1 मिनट की फिल्म थी। और उसके अलावा अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है, जहां दोस्तों ऑफिशियली रिपोर्ट सामने आ गई है कि फिल्म का बजट 100% 100 करोड़ का ही है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं फिलहाल मैदान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पेड प्रीव्यूज में 10 अप्रैल को फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो लगभग 2.60 करोड़ रुपए का किया था। उसके बाद कल फिल्म का जो 11 अप्रैल का दिन था यानी कि ओपनिंग डे कलेक्शन था, ईद का दिन था, फिल्म ने कमाई सिर्फ 4.50 करोड़ रुपए। और दोस्तों फिल्म की जो पहले दिन की कमाई रही पेड प्रीव्यूज का कलेक्शन मिला के वो रही 7.10 करोड़ रुपए, जहां दोस्तों सिर्फ 7.10 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो 8.40 करोड़ रुपए का रहा। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए सिर्फ 2.30 करोड़ रुपए। आपको पता है शैतान फिल्म कितनी स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी ओवरसीज में? 1200 स्क्रीनों पर। और आपको पता है मैदान फिल्म कितनी स्क्रीनों पर रिलीज हुई है? 1600 स्क्रीनों पर। और शैतान फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर ओवरसीज से कम 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन दोस्तों यहां पे मैदान फिल्म सिर्फ 2.30 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही। और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा अपने पहले दिन का ऑफिशियली वो 10.70 करोड़ रुपए का रहा, जहां दोस्तों अपने पहले दिन फिल्म 10.70 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही। और इसमें 2.60 करोड़ रुपए 10 अप्रैल के भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिल्म के आज दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज की भी ऑक्यूपेंसी बिल्कुल जीरो है। और अगर मैं बात करूं फिल्म के आज के कलेक्शन की, तो 3 से 3.5 करोड़ रुपए ये फिल्म आज कर रही है, और फिल्म की जो दो दिनों की टोटल कमाई है वो 10 करोड़ रुपए बड़ी मुश्किल से इंडिया के अंदर पहुंच रही है, और वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 17 करोड़ रुपए कर रही है।
और दोस्तों वाकई मैदान फिल्म एक बढ़िया फिल्म है, एक शानदार फिल्म है। आप इस फिल्म को देखोगे तो एक मिनट के लिए भी नहीं बोर होंगे, लेकिन फिर भी पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए नहीं जा रही है। और बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल मैदान फिल्म का जो हाल चल रहा है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो सोच रहा था कि भैया रिलीज से पहले, क्योंकि स्पेशल स्क्रीनिंग में ही फिल्म को बहुत ज़्यादा तारीफें मिल गई थी कि भैया अब तो ये फिल्म रुकने वाली नहीं है, लेकिन भाई क्या ही बताऊँ, मैदान फिल्म के साथ वाकई बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है। चलिए बात करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो तारीफ करूंगा मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, क्योंकि फिल्म को हेटर्स बहुत ज्यादा हेट कर रहे थे और इसके अलावा बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैला रहे थे, लेकिन बावजूद इसके फिल्म अपने ओपनिंग डे पर जो शानदार कलेक्शन करने में कामयाब रही, वो बाकी देखकर मजा आ गया। और ओवरसीज से तो फिल्म ने बहुत तगड़ा कलेक्शन किया है। अक्षय कुमार के करियर का बहुत बड़ा रिकॉर्ड फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने बना के दिया है। आपको बताता चलूं मैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था जैकी भगनानी, वाशु भगनानी और दीपशिका देशमुख ने। और फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी छिल्लर, टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा और इसके अलावा रॉनित रॉय बॉस अहम किरदारों में नजर आए थे। और दोस्तों अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो 350 करोड़ रुपये बजट बताया जा रहा है फिल्म का। और दोस्तों 350 करोड़ रुपये की इतने बड़े बजट की फिल्म है, इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, फिल्म में बड़ा सुपरस्टार अजय देवगन है और यंग स्टार एक्शन किंग और यहाँ पे टाइगर श्रॉफ भी है। लेकिन भैया बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपने पहले दिन इंडिया से भले ही कम कलेक्शन करने में कामयाब रही अपने ओपनिंग डे पर, अपने ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने जो ऑफिशियली कलेक्शन किया है दोस्तों, वो किया है 15 करोड़ 65 लाख रुपए का। और दोस्तों कल के मेरे आंकड़े थे कि भैया 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन ये फिल्म करेगी, लेकिन उसके बाद इवनिंग और नाइट के शोज में उतनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं गई जहां तक मेरा अंदाजा था, लेकिन फिर भी 15 करोड़ 65 लाख रुपए चलो बेहतर है। उसके अलावा फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो 18 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए 17 करोड़ 73 लाख रुपए और अक्षय कुमार के करियर का बेहतरीन रिकॉर्ड है 17 करोड़ 73 लाख रुपए। और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा अपने पहले दिन का, वो रहा 36 करोड़ 33 लाख रुपए। जहाँ दोस्तों 36.33 करोड़ फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में अपने फर्स्ट डे पर कमाए, जो कि एक बड़ी ओपनिंग आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कह सकते हैं ईद के दिन। और जबकि सामने बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन की फिल्म मैदान भी थी। लेकिन बात करूँगा मैं दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन के कलेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आज की ऑक्यूपेंसी जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 8% की थी, उसके बाद आफ्टरनून में भी ऑक्यूपेंसी में ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिली और सिर्फ 14% की ऑक्यूपेंसी रही आफ्टरनून में। अब देखना है कि इवनिंग और नाइट में कैसा रिस्पांस मिलता है। हालांकि कल सैटरडे और परसों संडे है, तो अब कल और परसों देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज ये फिल्म लगभग 8 करोड़ रुपए कमा रही है और फिल्म की जो दो दिनों की टोटल कमाई है वो 24 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके 52 करोड़ रुपए कर लेगी। और दोस्तों अभी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर फ्लॉप। अभी वीकेंड जाने दो, यानी कि सैटरडे और संडे अभी बाकी है, इन दो दिनों के बाद बताएगी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहेगी या फिर फ्लॉप। लेकिन चलिए बात करते हैं शैतान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो भैया इस फिल्म की मैं तो जितनी तारीफें करूंगा वो कम है। अजय देवगन, आर माधवन, ज्योति का, जानकी बोदीवाला की ये फिल्म थी और बड़ी शानदार फिल्म थी। ये एक हिंदी लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जिसको इंडिया की जनता ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ओवरसीज में भी फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और एक बड़ी कमाई करने में अजय देवगन के करियर में इस फिल्म ने बहुत अच्छा साथ निभाया। अगर मैं बात करूं फिल्म शैतान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि विकास बहल के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था विकास बहल, ज्योति देशपांडे और अजय देवगन ने। और फिल्म में हमें जो स्टारकास्ट मैंने अभी आपको बताया, अजय देवगन, ज्योति कार, माधवन अहम किरदारों में नजर आए थे। और दोस्तों फिल्म का बजट मात्र 65 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड़ 21 लाख रुपए कमाने के बाद अपने तीन दिनों के वीकेंड पर 55 करोड़ 13 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई थी वो 80 करोड़ 31 लाख रुपए की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 33वें दिन फिल्म ने 45 लाख रुपए कमाए थे, 34वें दिन 30 लाख, 35वें दिन फिल्म ने कमाए थे 20 लाख और 36वें दिन आज भी ये फिल्म 20 लाख रुपए कमा रही है। और फिल्म की जो 36 दिनों की टोटल कमाई है वो 148 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रही है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 211 करोड़ 25 लाख रुपए कर रही है। और दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फिर भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शैतान या फिर मैदान, इन तीनों फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा।